आज मैंने बहुत ही सारी चीज़ें बनाई सुबह से खाने में। मैंने बनाया वेजिटेबल कटलेट्स बनाए और बनाए गोलगप्पे बनाए और पनीर टिक्का बनाया, बहुत सारी चीज़ें बनाई सारी। अभी आपको मैं दिखाऊंगी आज मैंने क्या क्या बनाया। और अभी मदर्स डे आने वाला है ना, तो आप भी अपने आप को बहुत अच्छी तरह से इस तरह से पैम्पर कर सकते हो अपनी पसंद की चीज़ें खा पी के। और वैसे भी गोलगप्पे तो हम सबको बहुत पसंद होते हैं, तो गोलगप्पे तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो अभी मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया। अब बनाते हुए का मैंने शूट नहीं किया, मैं तो सब YouTube पे कुकिंग की वीडियोस आती हैं ना सारी, वो सब देख के मैंने वो सब वीडियोस देख के मैंने बनाया है। ठीक है, तो अभी आपको दिखा रही हूँ। मदर्स डे आने वाला है ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराना है और अपनी पसंद की चीज़ें करनी है। अभी मैं इसका ना पूरा एक और वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें सब कुछ बताऊँगी कि अपनी पसंद की ड्रेसेस पहननी है, जो भी पहनने का बहुत टाइम से मन था वो वाली हम ड्रेसेस पहनेंगे, अपनी पसंद का खाना बनाएंगे, क्योंकि अभी ना बाहर तो कहीं जा नहीं सकते, घर में ही रहना है। तो और अभी कितना टाइम और घर में रहना है पता नहीं, एक महीना तो वैसे ही हो गया है, तो इसलिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज आपके लिए तैयार किया है मैंने बहुत ही टेस्टी वाला फूड, तो चलो फटाफट दिखाती हूँ आज आपके लिए हमने क्या क्या तैयार किया है। जिसमें सबसे पहले है हमारा ये वेजिटेबल कटलेट्स, ये सब कुछ मैंने घर पर ही बनाया है आपके लिए। सबसे पहले है ये वेजिटेबल कटलेट्स, उसके बाद में नेक्स्ट है ये हमारा पनीर टिक्का, उसके बाद में मैंने बनाए हैं ये गोलगप्पे। ये ना मार्केट से बने हुए इस तरीके के पैकेट में आते हैं, उसको कढ़ाई में डाल के फुला लिया। और ये गोलगप्पा का पानी है, ये पानी का भी मसाला जो है बना बनाया मिलता है, मसाले को हमने पानी में मिक्स किया, ऊपर से बूंदी डाल लिया, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, उसके बाद इसकी फिलिंग के लिए मैंने घर में ये आलू उबाल लिया, थोड़ा सा प्याज काट लिया और ये काला चना बॉयल कर लिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही टेस्टी वाली इमली की खट्टी मीठी चटनी जो हम गोलगप्पे में डाल के तैयार करेंगे। तो ये सब कुछ फूड आपके लिए तैयार किया है। अभी ना मदर्स डे आने वाला है, तो मदर्स को बिल्कुल बिल्कुल बनता है अपने आप को बहुत बढ़िया पैम्पर करना, जो जो पसंद है, स्पेशली लेडीज़ को गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही आज हमारा तैयार है फ्राइड राइस और ये वेजिटेबल मंचूरियन, बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत ही बढ़िया बने हैं मंचूरियन। उड़ के देखो हल्का सा, ये देखो कितना सॉफ्ट, ईजी, बहुत ही मैदा वैदा मैंने बहुत ही कम डाला, सारी वेजिटेबल्स हैं सारी, क्या मैंने सिर्फ पत्ता गोभी से बनाया है इसको, ये बहुत ही बढ़िया बना है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही आज आपके लिए बना दिया है टेस्टी वाले हलवा पूड़ी और चने। ये हलवा मैंने बहुत इसमें केसर वेसर डाल के बनाया है, किशमिश और बादाम डाला है, पूड़ी डाली है और ये है चने, ब्लैक वाले चने। तो फ्रेंड्स आज आपके लिए बना है साउथ इंडियन प्लेटर, ये सब कुछ घर पे बनाया है मैंने, सांभर और ये वेजिटेबल उत्पम और ये इडली। इडली पता है इतनी बढ़िया बनी है, इतनी फ्लफी, इतना बढ़िया फर्मेंटेशन, मैंने आज तक इतनी फ्लफी इडली नहीं बनाई थी। ये देखो कितनी सॉफ्ट है और कितनी फ्लफी है ना, बहुत ही बढ़िया। ये रात में ना मैंने पीस के ना रख दिया था दाल को, और इतनी हेल्दी है। आई कांट टेल यू, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और बताइएगा कैसी लगी। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा टेस्टी वाला पनीर टिक्का भी बन गया है। ये सब कुछ मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, जैसे हमने पनीर को पहले मैरिनेट किया इन सबको और फिर इसके बाद में तवा पे फ्राई किया, ऐसे करके बनाया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो चलो लेट्स ट्राई 10 पुशअप्स।
ठीक है 10 पुशअप्स का ट्राई करते हैं होता है कि नहीं होता। तो फ्रेंड्स आज बहुत ही बढ़िया मौसम था तो आज हमने टेरेस पे किया है टी टाइम, आज हमारा टेरेस पे होगा। बहुत ही सुंदर इतनी बढ़िया हवा चल रही है, सब हम चेयर्स वगैरह सब ऊपर ले आए हैं, झूले उधर झूले पे बैठेंगे, यहाँ पर सब चाय वाय रख ली है। ये मेरी शादी का डिनर की सेट है ये। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। बाय, आई लव यू, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बाय, आई लव यू।